देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने में निक्षय मित्रों की अहम भूमिका है। निक्षय मित्र टीबी मरीज को गोद लेकर उन्हें इलाज चलने तक प्रति माह पोषक सामग्री देते हैं और उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं। इससे टीबी मरीज भावनात्मक तौर पर और पोषण के स्तर पर मजबूत हो जाता है और ठीक होने में मदद मिलती है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के पब्लिक प्राइवेट मिक्स समन्वयक अभय नारायण मिश्र ने पिता की पुण्यतिथि पर एक टीबी मरीज युवक को और चिकित्सक डॉक्टर मुस्तफा खान ने अपने जन्मदिन पर एक 42 वर्षीय टीबी मरीज एवं 3 वर्षीय टीबी उपचाराधीन बच्ची को गोद लिया। तीनों मरीजों के लिए पोषण पोटली देकर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वो अपने जीवन के प्रमुख अवसरों जैसे जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन, घर के प्रमुख व्यक्ति की पुण्यतिथि पर टीबी मरीजों को गोद लेकर निक्षय मित्र बने और टीबी मुक्ति को योगदान दें। सामग्री दिया जा रहा है, जब तक आपका दवा चलेगा उपचार उतने दिन तक सही समय पे दवा चलेगा ठीक, और निक्षय पोषण योजना की तरफ से आपको 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कोई भी बीच में आपको दिक्कत हो रहा है या हम हर महीने आपको ऐसे पोटली दे के आपसे मुलाकात करेंगे, कोई दिक्कत होता है हमको आप फ़ोन कीजिएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का निपटारा करेंगे। जो भी दवा है, जाँच है, सब फ्री में आपका इलाज होगा। कैमरे में अभी ये आपको पोषण के लिए सब दिया जा रहा है, ठीक है, आगे से कोई भी आवश्यकता है आपको रेगुलर 6 महीने 8 महीने 12 महीने तक जब भी जरूरत पड़ेगी। टीबी के मरीजों के लिए पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपका नंबर मेरे पास है, आपको मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप कॉल करते रहिए। आपकी हाल चाल, दवाई प्रॉपरली लेना है, घबराना नहीं है। लोगों के मन में जो अफवाहें हैं कि ये टीबी एक दूसरे से फैलता है, एक बार दवाई शुरू होने के बाद एक बार आपने दवाई खाना शुरू कर दी तो इसका स्प्रेड अपने आप बंद हो जाता है। ये लोगों को अवेयर भी करना है और पोषण के लिए जो भी आवश्यकता है अपना ख्याल रखना है, दवाई टाइम से लेनी है।